अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं काज, ओवरलॉक, पीको, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आपके सामने 747 ओवरलॉक वाली मशीन है, ये डबल सुई वाली। इसको मैंने चिड़िया पीको के ऊपर सेट किया हुआ है। इसके ऊपर चिड़िया पीको बहुत ही अच्छी होती है, जिसको चिड़ैल पीको भी बोलते हैं जी। तो चिड़िया पीको का एक पल्लू रिंग वाला डिज़ाइन बनाने वाले हैं जी आज हम, जो कि बना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाल्लाह और बनाना बहुत ही आसान है जी। तो अभी चलते हैं मशीन के पास और करते हैं काम शुरू। काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे और आप उसको देख सकें, शुक्रिया। तो जी आगे हम मशीन के पास, और ये हमारे दुपट्टे का पल्लू है जी। इसका जो पल्लू है ये 90 सेंटीमीटर हुआ है जी। तो इसको हम 10-10 सेंटी के ऊपर निशान लगा लेंगे जी। 10-10 सेंटी के ऊपर निशान लगाएंगे तो ये हमारे 10 रिंग लगेंगे जी एक पल्लू के ऊपर। तो 10 पल्लू के ऊपर रिंग लगाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत दुपट्टा बनेगा जी 10 रिंग के साथ। ये देखें जी, रिंग कुछ मैंने बना लिए हैं जी, और कुछ रिंग अभी बनाने वाले हैं। अभी मैं आपको बना कर दिखाता हूँ कि ये वाला रिंग आपने कैसे बनाना है जी। ये वाला रिंग बनाना बहुत ही आसान है, टाइम भी बहुत कम लगता है, और लगे हुए ये वाले रिंग बहुत ही अच्छे लगते हैं जी। और जैसा कि आप दुपट्टों को पहले हम 6-6 रिंग लगाते थे, तो आज हम दुपट्टे के एक पल्लू को 10 रिंग लगाएंगे, और बना हुआ दुपट्टा देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगने वाला है जी। तो पहले ये वाला रिंग बना के दिखाऊंगा जी आपको, और फिर ये वाला दुपट्टे को पीको करेंगे, और ये रिंग दुपट्टे के साथ अटैच कैसे करनी है ये सीखेंगे जी। और 10 रिंग लगाने के लिए आपने इसी तरह से स्केल के साथ इसकी मायरमेंट कर लेनी है, और जितने भी आपने रिंग लगाने हैं उस हिसाब से आपने इस दुपट्टे के ऊपर निशान लगा लेने हैं जी। जैसे ये मैंने 10-10 सेंटी के ऊपर निशान लगाए हैं जी।